उसको। टीम 22 एक इंफॉर्मेटिव चैनल है इंडिया का, जो तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध और उनसे संबंधित जितने भी जानकारियां देश हित में और दुनिया के हित में, पब्लिक के हित में होती हैं, उनको उसी तरह से पेश करने की कोशिश करता है जैसे कि वो होती हैं। उनमें कोई भी लांग लपेट या कोई अतिशयोक्ति या कोई चीज़ नहीं जोड़ी जाती। लगभग 100 वीडियोस आ चुकी हैं जो उनसे संबंधित हैं। फेसबुक पे भी आप लगातार देख रहे हैं, अगले महीने से ये इंस्टाग्राम पे भी आना शुरू हो जाएगा। टीम 22 का एक पेज भी है फेसबुक पे, मेरे नाम से भी है, और टीम 22 का यूट्यूब चैनल भी है। आप उसको देखते हैं, आप सबका बहुत आभार है, कृतज्ञता है, धन्यवाद है। 100 वीडियोस के बाद में ऐसा तय किया गया था कि भारत में जो भी लोग भारत को आगे बढ़ाने के लिए तथागत बुद्ध की या सम्राट अशोक की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनकी बात, क्योंकि सम्राट अशोक दुनिया के सबसे कामयाब राजा रहे, उनके देश के अंदर शांति रही, उन्होंने कभी हथियार नहीं छोड़े, उनकी सेनाएं लगातार खड़ी रहती थीं, उनके नाम से लोग कांपते थे। ईरान से लेकर बर्मा तक राज्य था और बहुत शांत राज्य था। उन्होंने अंदर अपने लोगों से लड़ना मना कर दिया, उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि मैं भारत के अपने अंदर के लोगों से नहीं लड़ूंगा, बाहर का दुश्मन होगा, अब मैं उससे लड़ूंगा। ये इस पॉलिसी के तहत में उन्होंने बहुत शांति प्रिय राज किया। भगवान बुद्ध की जितनी पॉलिसियाँ थी वो सारी पॉलिसियाँ उन्होंने अडॉप्ट की और भारत उसी समय सोने की चिड़िया या बृहद भारत उसी समय रहा। उस पॉलिसी की कामयाबी दुनिया ने अडॉप्ट की और दुनिया उस पॉलिसी से खुश होकर बहुत ज़्यादा तरक्की की। भगवान बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं सारी दुनिया में फैली और जिन कंट्रियों ने उनको अडॉप्ट किया वो कंट्री आज माला माल है। कभी सोने की चिड़िया हम होते थे, आज सोने की चिड़िया वो है। कभी टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी में नंबर वन हम होते थे, आज टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी में नंबर वन वो है। समय आता जाता रहता है, शिक्षाएं दोबारा से आ रही हैं। अगर आप में लगता है कि आप में वो कैलिबर है या आप कोई बात कर सकते हैं या कोई नई बात दे सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या वीडियो में साथ दे सकते हैं या कोई टेक्निकल साथ दे सकते हैं, किसी भी तरह से आपको लगता है कि टीम 22 जो चैनल है वो कुछ हम उसमें सहयोग कर सकते हैं या आपको वो अच्छा लगता है, अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो आपका स्वागत है, आपके लिए निमंत्रण है। आप आइए, अपनी शिक्षा, अपनी कला, अपनी मेहनत का पूरी दुनिया को फ़ायदा दीजिए। धन्यवाद। मुझे ईमेल करें या इनबॉक्स में अपना मैसेज छोड़ें, फ़ोन नंबर, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा या टीम के बाकी लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। धन्यवाद।